एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की आकृति कैसी है, भारत का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, तटीय रेखा की लंबाई क्या है। आप बस ध्यान से देखो और अच्छे से समझना पॉइंटों को, सारे नहीं परीक्षा में कन्फ्यूजन में आ जाते। देखो ये हमारा सुशील और सुंदर भारत है, ये पृथ्वी है, चलिए आगे, ये भूमध्य रेखा है और भारत यहाँ पर है, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर, क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत स्थित कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे, देखो उत्तरी गोलार्ध में, कौन से हिस्से में, पूर्वी में, तो स्थित कहां पर है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, क्लियर है। आकृति कैसी है, बोले चतुष्कोणी, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, ये क्या है अंडमान निकोबार, ठीक। अब देखो आपको यहां से यहां तक ज्यादा दिख रहा है भारत, तो बोले भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, क्लियर है। पश्चिम से पूर्व में कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर, क्लियर है, ध्यान से समझना चाहिए। उत्तर से दक्षिण में कितना है, 3214, पूर्व से पश्चिम में कितना है, 29-33। बोले भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.4%, क्लियर है। आगे बात करते हैं हम, बोले अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, तो क्या कहोगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्लियर है। आगे बात करते हैं हम कि जैसे तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, क्या कहोगे तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, बोले 6100 किलोमीटर, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, जैसे सारी चीजें इकट्ठी कर लो, बोले 7516.6 किलोमीटर, क्लियर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक जो स्थल है अपना, बोले 15200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर। दोस्तों बहुत अच्छा पार्ट है ये तो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छे ध्यान से सुन लेना और देख लेना, समझ आ जाए, धन्यवाद।